हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति। और आज के वीडियो में हम देखने वाले इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनके बारे में। तो अगर आप ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट होकर देख रहे हैं तो मैं कहूंगी कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी डेट इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। एंड माइट भी आप क्लास 12 में ना पढ़ते हुए जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, तो प्लीज ऑर्डर देखिएगा। एंड आपको हर एक डेट को मेंशन करना है, हर एक डेट का मंथ याद रखना है, हर एक इवेंट का मंथ याद रखना है, ताकि अगर किसी एग्जाम में आता है तो आप इस मामले में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगी, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो रिसेंटली वी स्टार्टेड आवर क्रैश कोर्स, जिसमें क्लास 12 की हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं लाइव क्लासेस ले रही हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड to join our live classes, because this course is going to be for only 2 months, and in 2 months में आप पूरा syllabus complete कर पाएंगे। You will be given test series on Saturday and Sunday। आप अपने doubts भी मुझसे personally clear कर सकते हैं। 6390665726 is the WhatsApp number where you can leave the text query for crash course, and I'll reply as soon as possible। Let's get started with our chapter that is going to be Indian, मतलब चैप्टर नहीं है, हमारा टॉपिक है इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पे गांधी जी ने जितने भी मूवमेंट लीड किए, ठीक है, और उनके लास्ट तक और जब तक हमारा भारत आजाद होता है, उन सारे मूवमेंट के बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट वी हैव गांधी जी रिटर्निंग फ्रॉम अफ्रीका। गांधी जी की जो अफ्रीका से रिटर्निंग होती है वो हुई थी 1915 में। डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे साल इंपॉर्टेंट है 1915। दूसरा चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। लास्ट वीडियो जो मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स पे बनाया था बट दैट वाज इन द नोटबुक। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि 1916 में चंपारण मूवमेंट हुआ था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था। तो चंपारण मूवमेंट था क्या? बेसिकली वहां के किसान बोल रहे थे कि हमें जो है वो फूड ग्रेन्स उगाने हैं, कैश क्रॉप्स या फिर बाकी क्रॉप्स नहीं, जो अंग्रेज बोल रहे थे। अंग्रेज कह रहे थे कि नील की खेती कर, वो नहीं करना चाहते थे। तो इसके लिए जो है ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी ने इसको लीड किया था। दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट सत्याग्रह दैट गांधी जी लॉन्च्ड इन इंडिया। दूसरा, चंपारण इज द डिस्ट्रिक्ट इन विच स्टेट डू लेट मी नॉट कमेंट सेक्शन फास्ट। थर्ड वी हैव अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है 1918 में। अहमदाबाद के जो वर्कर्स थे वो ये कह रहे थे कि हमारी जो वर्किंग कंडीशन है वो बेटर की जाए और हमें वेजेस प्रोवाइड किया जाए। तो ये इनकी डिमांड थी। ये मिल स्ट्राइक होती है आपकी 1918 में। उसी ईयर गांधी जी ने अपना तीसरा मूवमेंट लॉन्च किया था, दिस वाज खेड़ा सत्याग्रह। क्योंकि चंपारण से उनको इतनी प्रसिद्धि मिल चुकी थी ना कि बाकी लोग भी उनको बुला रहे थे कि आप हमारा यहाँ का मामला भी देखिए। खेड़ा सत्याग्रह होता है 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह में जो पीजेंट है वो डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमारा जो टैक्स है वो इस बार लैंड टैक्स माफ कर दिया जाए, बिकॉज ऑफ फेमाइन दे वर अनेबल टू रिपे इट। तो उस ईयर का माफ कर दिया जाए, क्योंकि ब्रिटिश को चाहिए केवल और केवल टैक्स। आपकी क्रॉप जो है वो अच्छी होती है तो लेंगे ही, और अगर फेमाइन आता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। फिफ्थ, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह ये हुआ था आपका 21 मार्च 1919 में। तो आपको पता होगा इस दौरान जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एंडिंग चल रही थी और हो गया था। अभी रॉलेट सत्याग्रह में क्या होता है कि पंजाब से जितने भी ब्रिटिश की तरफ से गए थे लड़ने के लिए आर्मी में और वर्ल्ड वॉर में, तो वो लोग वापस आते हैं। उनको कहा गया था कि जब आप आओगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, और उनका स्वागत कैसे किया जाता है? रॉलेट एक्ट के थ्रू। तो रॉलेट एक्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा टर्म है, हम जब भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो रॉलेट एक्ट के बारे में तो जरूर जो है वो मेंशन करते ही हैं। तो रॉलेट सत्याग्रह क्या था, कमेंट सेक्शन में बताइए। 21 मार्च 1919 को हुआ था। याद रखिएगा इसकी डेट आपको याद रखनी होगी, 21 मार्च 1919। कई बार एग्जाम में आ जाती है। जलियांवाला बाग मैस्कर। जलियांवाला बाग मैस्कर में क्या होता है, चूंकि यहाँ पे पंजाब में लगा था क्या, रॉलेट सत्याग्रह। वैसाखी का समय चल रहा था, बाहर से जो है बहुत सारे लोग आते, पता नहीं था। जलियांवाला बाग में सेलिब्रेशन था। जब सेलिब्रेशन होता है और रॉलेट सत्याग्रह का प्रोटेस्ट करते हुए कुछ लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे जलियांवाला बाग में मीटिंग चल रही थी। जनरल डायर घुसते हैं और सभी तरह से जो सभी जगह से एंट्रेंस गेट, एग्जिट गेट सब बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद जो है वो गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे मौजूद, ऐसा माना जाता है कि 362 यानी कि 362 लोग मारे गए थे, एंड मैक्स टू मैक्स, ये तो अंग्रेज बोलते हैं, इससे ज्यादा माना जाता है इसका रेशियो था, लाइक 1000 किलिंग्स तक हुई थी इसमें which was a quite big deal. तो जलियांवाला बाग मैस्कर जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसका जो है रिप्लाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के द्वारा दिया गया था, वो हम देखेंगे। बीच में आता है हमारा, यानी कि 7th है हमारा खिलाफत मूवमेंट। ओटोमन एम्पायर का जो लीडर था, जो ओटोमन एम्पायर का लीडर था, तो वो लीडर हटा दिया जाता है, ठीक है। और वो लीडर एक्चुअली ओटोमन एम्पायर का ही लीडर नहीं, वो पूरे वर्ल्ड में इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों का रिलीजियस लीडर था। पॉलिटिकल लीडर तो था ओटोमन एम्पायर का, बट रिलीजियस लीडर खलीफा वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में सभी मुस्लिम्स का था, सभी इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों का था, यानी कि मुस्लिम्स का। तो खिलाफत मूवमेंट इंडिया में बॉम्बे के दो भाई शौकत अली एंड मोहम्मद अली, इन्होंने शुरू किया था इन ऑर्डर टू रिस्टोर द पोजीशन ऑफ दैट खलीफा, क्योंकि जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उस दौरान ओटोमन एम्पायर ब्रिटिश से हार जाता है, उसके बदले में जो है ब्रिटिश उसको उसकी जगह से हटा देते हैं लीडर को और अपने आप को वहां पे स्टैब्लिश कर लेते हैं। तो यही चल रहा था, ऐसा नहीं इंडिया में चल रहा था, बाकी दुनिया के हिस्सों में भी चल रहा था। अब गांधी जी ने सोचा खिलाफत मूवमेंट तो चल रहा है और ये इनकी डिमांड भी सही है, ये सभी बात कर रहे हैं कि हमारे लीडर को वापस लाया जाए हमारे, क्योंकि वो रिलीजियस अथॉरिटी है हमारे लिए। गांधी जी ने सोचा ये सही वक्त है मुस्लिम्स को और हिंदू को साथ में लाने का, और वो लॉन्च कर देते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अलॉन्ग खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो आपका खिलाफत मूवमेंट 1990 से लेकर 94 में चला था। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो 4 सितंबर 1920 में लॉन्च होता है एंड चौरी चौरा इंसिडेंट के साथ कॉल्ड ऑफ हो जाता है। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था? गांधी जी ने कहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे हैं, हमें कोई वायलेंस नहीं करना, बस जो भी अंग्रेजों का है हम उस चीज में कोऑपरेट नहीं करेंगे। आप गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां मत जाइए, आप प्रोफेसर है तो पढ़ाने मत जाइए, आप जो है जो भी सरकारी काम काज है उसमें हम नहीं हिस्सा लेंगे, और जो ब्रिटिश रेगुलेट करते हैं हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये करना था। अभी इसको लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा और अलग अलग तरीके से फॉलो कर रहे थे। देवर लाइक की फॉरेस्ट्स में घुसना, जबरदस्ती घुसना इन द सेंस की जो हमारे जंगल है, जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन के जंगल है, वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी, ब्रिटिश अलाउ नहीं किया था किसी को ऐसे अंदर जाने के लिए। सो चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, इसमें पूरे की पूरी पुलिस स्टेशन को चौरी चौरा, विच इज वन ऑफ द प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर ऑफ उत्तर प्रदेश, वहां पे पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जाती है और उस आग लगाने के चक्कर में जो वहां पे जितने भी अंदर लोग मौजूद थे वो मारे जाते हैं। तो इसके बाद से टोटल 19 ऐसे लोग थे जिनको फांसी पे चढ़ाया जाता है और फिर वहीं पे चौरी चौरा में जो है इनका एक स्मारक भी बना हुआ है, मेमोरियल बना हुआ है। अभी निकला है चौरी चौरा की जो डेट है वो, तो इट वाज ऑन 4 फरवरी 1922 और यहीं से एंड हो जाता है। गांधी जी इसके बाद से काफी ज्यादा दुखी हुए थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी की मौत हो या किसी को वायलेंटली हम चुप कराएं, वो ये चाहते थे कि हम नॉन वायलेंस के साथ जो है इन अंग्रेजों को भगाएं। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद फिर आता है आपका मेजर सॉल्ट सत्याग्रह। अभी आप ये गैप देखिएगा, यहाँ पे आता है आपका गैप 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को हम कह रहे हैं कि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। फिर आपका आता है सॉल्ट सत्याग्रह। तो बेसिकली इसमें चीज क्या हुई थी कि सॉल्ट सत्याग्रह के बाद, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर हो गए थे वो, यानी कि 1924 से 28 का जो वक्त है उस दौरान गांधी जी ने अपने आप को राजनीति से दूर रखा था। मैं 1930 वाला नहीं बताऊंगी, यहाँ पे 28 वाला पहले हम कर लेते हैं। साइमन कमीशन जो इंडिया आया था 1928 में आया था। डू लेट मी नो कि साइमन कमीशन इंडिया क्यों आया था, ऑब्जेक्टिव क्या था। 12th वी हैव पीजेंट मूवमेंट जो कि बारदोली में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह होता है, बहुत ज्यादा फेमस है, पीजेंट मूवमेंट था। तो गांधी जी इसको लीड करने के लिए नहीं जा पाए थे, तो उन्होंने अपने बिहाफ में सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। तो जून 1928 की बात है, बारदोली सत्याग्रह को सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड करते हैं। दिस इज द प्लेस जहां से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है, जो कि वहां की आम जनता ने उनको दी थी और वो हमेशा से फिर उनके साथ रही, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैसी आप देखते हैं हम हमारा सॉल्ट सत्याग्रह। तो सॉल्ट सत्याग्रह आपका 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 में हुआ था, जब गांधी जी ने डिसाइड किया कि चलिए जो नमक पे आपने कानून बनाया है ना कि आप समुद्र से नमक निकालने के लिए आपको परमिशन नहीं थी। तो नमक तो एक ऐसी चीज है कि चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो सभी कंज्यूम करते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा गलत था और इसके खिलाफ जो है गांधी जी ने प्रोटेस्ट भी किया। तो ये सॉल्ट हमारा सत्याग्रह होता है। फिर पूर्ण स्वराज की बात होती है। पूर्ण स्वराज की बात हुई थी 26 जनवरी 1930। पूर्ण स्वराज में क्या था, 26 जनवरी 1930 जो आपका एक कांग्रेस का सेशन हुआ था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो लाहौर में हुआ था कि कानपुर में हुआ था कि नागपुर में हुआ था, कौन सा सेशन हुआ था जब ये डिसाइड किया गया था कि नेहरू जी हमारे नेक्स्ट पीएम बनेंगे। और ये बात हुई थी कि 26 को हम हमारा इंडिया सेलिब्रेटेड घोषित करेंगे, मतलब कि आजाद हो गए हैं हम, अपने ट्रेडिशनल वे में जो है उस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा, बिगुल बजाए जाएंगे, मिठाइयां बांटी जाएंगी गांव-गांव, ये सब कुछ डिसाइड हुआ था, लेकिन प्लान वैसे वर्क नहीं किया। देन वी हैव पीजेंट, हमने हो गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, 12 मार्च 6 अप्रैल 1930 सॉल्ट सत्याग्रह होता है। उसी टाइम जो है वो 12 मार्च 1930 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। अंग्रेजों की आज्ञा का जो है वो अवहेलना हमें करनी है, उनकी बात नहीं माननी है। तो ये बात ना मानने का कॉन्सेप्ट सब जगह अलग अलग था, जैसे कि कोई भी जो गलत काम वो कर रहे हैं उसमें हमें कोऑपरेट नहीं करना है और जो हमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, दिस वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चलिए ये हुआ था आपका 1930 में। अब देखते हैं गांधी इरविन पैक्ट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, ब्रिटिश चाहते थे बंद कर दिया जाए, गांधी इरविन पैक्ट आता है 5 मार्च 1931 में इन ऑर्डर टू कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसके अंदर से देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपने काफी सुना होगा, गोल मेज सम्मेलन, जिससे बात होती है कि अच्छा बताइए आप, अंग्रेज पूछते हैं कि बताइए आप लोगों की क्या चाहिए, क्या डिमांड है आपकी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 1931 तक चलता है। फिर इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारा सितंबर 1931 से लेके दिसंबर 1931 तक हुआ था, ये फेल्ड हो गया था क्योंकि इसमें प्रोमिनेंट लीडर्स तो थे नहीं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1932 से लेके दिसंबर 1932 के बीच में चलता है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, नॉट एज द लेवल एज ऑन द लेवल ऑफ अ 12th क्लास, बट अगर आप जनरली देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। एक सवाल आता है कि कौन सा ऐसे लीडर था जो तीनों ही कॉन्फ्रेंस में पाए जाते हैं। तो बीआर अंबेडकर जी जो थे वो तीनों ही कॉन्फ्रेंस में गए थे। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी लंदन में होती है, इससे जुड़ी काफी मजेदार जो है वो महात्मा गांधी से रिलेटेड कहानी है। एक्चुअली क्या होता है, महात्मा गांधी का जो पहनावा था वो ट्रेडिशनल वे में था, मतलब वो धोती पहना करते थे, डंडा रहता था उनके हाथ में और एक शॉल टाइप, ठीक है। अब चूंकि लंदन में तो सर्दी रहती है, वो गए वहां पे, जब वो जाते हैं एंटर करते हैं तो वहां के जो किंग है उनसे मिलना था। तो आपने देखा होगा उनकी जो वेशभूषा होती है, ठीक है, वेशभूषा इन द सेंस की मतलब जो पहनावा है उनका, वो सब बहुत सारे कपड़े टाइप, आप मैं कुछ आपको लुक जो है बैटमैन का भी दे सकती हूँ और सुपरमैन का भी दे सकती हूँ, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। गले में बांध के इतना लंबा सा होता है, बड़ा सा कोट, वैसा कुछ, ठीक है, ओजल टाइप बोल सकते हो आप, कोई बुराई नहीं होगी ऐसा कहने में। तो जब गांधी जी अंदर जा रहे थे बाकी लोगों के साथ, हमारे इंडियन लीडर के साथ, तो बीआर अंबेडकर का जो पहनावा है वो वेस्टर्निज्म की तरफ ज्यादा था, मतलब इन द सेंस कि उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को अच्छे से एक्सेप्ट किया था, वो सूट वूट पहन के गए थे सभी लोग। गांधी जी अपने वही पोशाक में गए थे, ना हम तो इसी में जाएंगे, बस ये था जो शॉल उनका जो पतला होता है वो इस बार थोड़ा सा ऊनी शॉल ले लिया था उन्होंने। वहां जो मीडिया खड़ी थी वो गांधी जी से कहते हैं बाकी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं एक्चुअली कि ये पतला दुबला सा इंसान जिसके तन पे कपड़े भी नहीं है वो क्या हमारे राजा के सामने बात कर पाएगा। सो जब वो गांधी जी लौट कर आते हैं तो गांधी जी क्रिएटेड सच एन इम्पैक्ट ओवर दैट किंग और बाकी सबके बारे में कि जो बाहर मीडिया खड़ी थी ना वो चुप रही, वो कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि यही पतला दुबला इंसान जो है वो सॉल्ट मार्च के लिए गया था। तो जब ये इंसान इतना ज्यादा डिटरमाइंड है फिजिकल अपीयरेंस पे, इसलिए कभी किसी के जाने ही नहीं चाहिए। वो फर्स्ट, मैं मानती हूँ फिजिकल अपीयरेंस कभी भी एक्चुअली अवॉइड करना तो आसान है ही नहीं, बट सेकेंड टाइम भी अगर आप फिजिकल अपीयरेंस देखते हो तो फिर आप में प्रॉब्लम है। ओके, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया जो कि आता है 1935 में, कुछ जगह पे इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा प्रोविंशियल असेंबलीज में। कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन, 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया था क्योंकि तब तक शुरू हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर और अंग्रेज कह रहे थे कि हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दे दो। हमारे लीडर्स ने कहा ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप हमें जो है वो कुछ रिप्रेजेंटेशन देंगे, अंग्रेजों ने मना कर दिया और हमने जो है वो मिनिस्ट्री डिजाइन कर दी और कांग्रेस ने मिनिस्ट्री डिजाइन कर दी थी। क्रिप्स कमीशन आता है मार्च 1942 में। क्रिप्स कमीशन आया था पटाने के लिए, किसको, यहाँ के लोगों को, कांग्रेस को, कि भैया मान जाओ, हमारा जो है आप साथ दे दो जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसमें। लेकिन ये नहीं हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट, चूंकि क्रिप्स कमीशन के सामने जो डिमांड रखी गई थी ना, हमारे लीडर्स ने रखी थी, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। कहते कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और डिफेंस काउंसिल में हमारा लीडर होना चाहिए, इंडियन तो हो कोई, सारे के सारे अंग्रेज भरे पड़े हुए तो फिर क्या फायदा। ये नहीं हो पाया, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट होता है 9 अगस्त 1942 में। 9 अगस्त 1942 में होता है भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद आता है आपका कैबिनेट मिशन। अभी यहाँ से चीजें सॉर्ट आउट हुई। कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया आया था और इसका मेन इंटेंशन था कि भारत का अब जो है वो बंटवारा होना था, और इन द सेंस कि भारत को हम अब सारी पावर्स देने वाले हैं, हम जा रहे हैं इंडिया से, ठीक है। तो ये आया था कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन ने एक प्लान प्रपोज किया था कि इंडिया को जो है वो 2-3 हिस्सों में बांटा जाएगा, 3 तरह से, A, B, C प्लान। तो A मतलब जहां पे हिंदू मेजोरिटी एरियाज होंगे, B मतलब मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, C जो होगा आपका उसमें प्रिंसली स्टेट्स आएंगे। लेकिन ये प्लान को जमा नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग जिसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनको चाहिए था अलग से कंट्री। तो मतलब अलग से इन द सेंस की मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री चाहिए थी इनको, क्योंकि उनको दिख गया था कि अगर हम एक ही कंट्री में रहे तो क्या स्थिति होने वाली है। तो डायरेक्ट एक्शन डे आता है 16 अगस्त 1946, ये जिन्ना ने लिया था। एंड फिर जो है आपकी ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स होती है, इसी दिन को कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं। एंड 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो गया था। तो ये सारे इंडियन नेशनल मूवमेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप याद करोगे तो। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मेनली फोकस उनको रख के बनाया गया है, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी डेट्स आप जलियांवाला बाग मैस्कर, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट, देन वी हैव पूर्ण स्वराज, और आपका बस इतना, इनके डेट्स समेत याद रखिएगा। बाकी के अगर सन करोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन इनका डेट समेत याद रखना होगा। अगर नहीं किया तो फिर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, 26 जन 1930 दे देंगे और 26 जन 1929 दे देंगे। अब लिखो क्या लिखना है, तो जब आपको एग्जैक्ट पता होगा तभी तो लिख पाओगे। That's it for today's video. Do let me know comment section कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एंड आर यू क्लास 12 स्टूडेंट। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करने आए थे, मतलब आप करेंटली क्या कर रहे हैं। I'll be glad if you can share the things with us into comment section. Stay connected with us because we will be bringing more such kind of videos onto this channel. Hit the like button, share this video and subscribe Studyship with Krati for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।